जो जातिवार जनगणना का जो आंकड़ा आया है उससे तो बिहार के जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियों के जो छलावे वाले नारा सामाजिक न्याय की बात 36% जो आंकड़ा आया है कि अति पिछड़े लोग हैं। 8 बार माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री, माननीय लालू जी मुख्यमंत्री, श्रीमती रावड़ी देवी मुख्यमंत्री, इस 36% के साथ सामाजिक न्याय कभी इन्होंने किया नहीं किया। और दूसरा जो मामला है कि वहां भौर, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधो, ये 5 जातियां हैं, 29 जिले में रहती हैं। इनका आंकड़ा परसेंटेज में नहीं है, जिस जाति का नाम नहीं जानते हम उस जाति का परसेंटेज में उठा दिया। तो ये जो 5 जातियों का जो आंकड़ा है उस आंकड़े से हम संतुष्ट नहीं है। उस आंकड़े को हम 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो आपका जाति आंकड़ा आया है वो इन जातियों के साथ खिलवाड़ है, इन जातियों के साथ धोखा है। और 36% अति पिछड़ों के साथ जो लंबे समय से इन जातियों के साथ धोखा है, और 36% अति पिछड़ों के साथ जो लंबे समय से नीतीश जी और लालू जी धोखा दे रहे हैं उसका भी खुलासा बिहार में होगा 10 को। तो कौन कौन सी जातियों को इसमें जातिगत आंकड़ा में पेश नहीं किया गया है आपके हिसाब से? देखिए, भर, राजभर, रजवार, राजधो, उसमें परसेंटेज में नहीं है जी। मतलब इनका अगर ये 5 जाति को जोड़ दिया जाए, सीवान, आरा, छपरा, भगुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, हम 26 जिले में घूम रहे हैं, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इनका आंकड़ा एकदम नहीं के बराबर है। तो इनके साथ कहीं न कहीं छलावा, क्योंकि 76 साल की आजादी में वहां लालू जी और नीतीश जी ने इनका शोषण किया। 36% लोगों का जिस तरह शोषण हुआ बड़े पैमाने पर, इन जातियों का आज तक न MLA, न MP, न MLC तक नहीं लोगों ने बनाया। इस नाते इनकी गिनती है नहीं कि नहीं के बराबर है। जो जातियों को हम नहीं जानते, मैं बिहार में घूम रहा हूं 18 साल से, उनका परसेंटेज 2-2%, 1.5% आ गया है। और जो जातियां निवास कर रही हैं उनका आंकड़े नहीं। तो क्या ये आंकड़ा गलत है क्या? देखिए, जो जिन जातियों के बीच में हम काम कर रहे हैं उनका जो आंकड़ा हमने देखा तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो क्या मांग करेंगे? लालू जी, नीतीश जी धोखा किए, वही हाल यहाँ है। अखिलेश जी और मायावती जी 19 साल शासन किए, कांग्रेस लंबा शासन किया, इन लोगों ने अति पिछड़े, अति दलित के साथ धोखा किया। जो वंचित शोषित लोग हैं उनके साथ धोखा किया है। ये लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं और सत्ता सरकार में जाने का प्रयास करते रहे हैं। किसी को न्याय, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां इनके साथ अन्याय की है। तो क्या मांग होगी यूपी में भी जातिगत जनगणना होगी? बिल्कुल, हम तो इस बात को, हम जहां भी बैठक होती है फोरम पर, हम इस बात को रखते हैं। लोकसभा 2024 के पहले जातिगत जनगणना की मांग करेंगे सरकार से? देखिए, हम तो हमेशा एनडीए में शामिल भी हैं, हम तो हमेशा मांग करते हैं। जब बैठक होती है तब इस बात को रखते हैं कि भाई जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको कैसे बजट किस तरह अलॉट होगा, उनके विकास के लिए जब धन बटेगा तो कैसे जाएगा, रोजगार की बात आएगी तो उस जाति तक कैसे पहुंचे, नौकरी उनको वहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कदम उठाया, रोहिणी आयोग का गठन किया है, ऐतिहासिक कदम है रोहिणी आयोग का, कि राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन, कुछ जातियां जो लाभ उठा रही हैं वो सबको देने की कवायद जो हो रही है, इस कदम का 37% आबादी अति पिछड़ों की है, ये पिछड़ा इस कदम का स्वागत करेगा।